السلام علیکم. तो 14.1.3 इज लो ड्रा एंड इंटरप्रेट अ फ्रीक्वेंसी कर्व एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सबसे पहले जो है हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनती है या हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाएंगे. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चाहिए हमारे लिए, सबसे पहले नेसेसरी चीज़ क्या है, हम वो देखेंगे. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बनती है हिस्टोग्राम से. सबसे पहले हमें जो है हिस्टोग्राम बनाना होगा या हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाएंगे. सपोज़ मेरे पास कोई डेटा है, क्लास इंटरवल है और कोई डेटा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपनी तरफ से कोई डेटा. ये क्लास इंटरवल है ये फ्रीक्वेंसी है. मैं लिख रहा हूँ भाई क्लास इंटरवल 10 to 20, फिर लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल 20 to 30, फिर मैं क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ 30 to 40, देन मैं फिर एक क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ 40 to 50 और एक और 50 to 60. ये मेरे पास क्लास इंटरवल है. अब फ्रीक्वेंसी पहले में है 15, दूसरे में फ्रीक्वेंसी है 20, तीसरे में फ्रीक्वेंसी है सपोज 30, चौथे में फ्रीक्वेंसी है 25 और पांचवे में फ्रीक्वेंसी जो है ये 5. 1 2 3 4 5 मैंने क्लास इंटरवल. अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे. भाई हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं हिस्टोग्राम बनाने के लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एक लाइन बनाते हैं. सपोज ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में हम क्लास इंटरवल लगाते हैं. सपोज यहाँ से 0 से ये 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन 60. अब वर्टिकल हम जो है फ्रीक्वेंसी जो लगाएंगे उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वो वाई एक्सिस में लगाएंगे, गेप कितना रखें. अब मेरे ऊपर है मैं कितने का गेप, सपोज मैं 5 का गेप रख रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, then 30. सबसे पहले भाई देखें, पहली इंटरवल है 10 से 20 तक, मतलब ये रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी वो देखेंगे. यहाँ पे 15 तो यहाँ तक की हाइट होगी, तो मैं 10 से एक लाइन ले जाऊँ और 20 से भी 15 तक दोनों को ज्वाइन कर दूँ, ये हमारा हिस्टोग्राम बनेगा. अब हिस्टोग्राम में क्या है, वो दोनों जो टावर बनते हैं, रेक्टेंगल बनते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. अब 20 to 30 वो है 20 to 30 यहाँ तक, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20 तक, मतलब इसकी हाइट होनी चाहिए 20. मैंने इसकी हाइट 20 तक लेके आ गया, 30 से भी एक बना दिया, उसको भी मैं 20 तक लेके आ गया. अब ये हमारी हो, उसके बाद हमें क्या चाहिए 30 to 40, उसकी फ्रीक्वेंसी है 30. भाई 30 to 40 इंच ये ट्राइंग बनेगा हमारा, 30 और 40 ये जो है हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा. उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी 30 है तो हाइट 30 होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको 30 तक लेके आऊँ और इसको भी मैं स्ट्रेट ले जाऊँ ऊपर 30 तक, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया 30 to 40.
फिर ये 40 to 50 भाई, 40 to 50 उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी 25, मतलब यहाँ तक 25, मतलब ये ठीक है यहाँ तक ये चाहिए, और ये 40 to 50 का टावर बन गया। उसके बाद लास्ट है 50 to 60 जिसकी हाइट होनी चाहिए 5, ये मैंने लगा दिया। अब हमने क्या करना है, ये तो हिस्टोग्राम बन गया, लेकिन हमें तो बनाना था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब वो कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें क्या करना पड़ता है, हर क्लास इंटरवल की मिड पॉइंट लेनी पड़ती है। इस क्लास इंटरवल की मिड पॉइंट क्या होगी, सेंटर पॉइंट क्या होगी, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। तो लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15। तो इसकी मिड पॉइंट हो जाएगी ये 15, इसकी ये एम डी लिख रहा हूँ मतलब मिड पॉइंट। अब इसकी मिड पॉइंट क्या होगी, 20 से लेके 30, 20 और 30 प्लस करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 25। इसकी क्या हो जाएगी 35, देन इसकी मिड पॉइंट क्या हो जाएगी 45, और इसकी मिड पॉइंट क्या हो जाएगी 55। अब देखो ये है हमारे पास 15, 25, 35, 45, 55। अब जो टावर जहाँ तक गया है उसके मिड पॉइंट पे, जहाँ तक उसकी हाइट है ना, वहाँ पे मिड पॉइंट पे सिर्फ पॉइंट लगानी है, ये मिड पॉइंट पे ये टावर है, यहाँ पर तक इसके मिड पॉइंट पे आप पॉइंट लगाएंगे। 30-40 वाला टावर यहाँ तक है, इसके मिड पॉइंट पे पॉइंट लगाएंगे, इसके मिड पॉइंट पे पॉइंट लगाएंगे और इसकी भी मिड पॉइंट। अब ये जो पॉइंट बनाएंगे हमें 0 से लेके इन पॉइंट्स को मिलाते जाना है, 0 से लेके स्टार्ट करेंगे लाइन, ये मिला दी, फिर ये ज्वाइन कर दी, फिर ये ज्वाइन कर दी, फिर ये ज्वाइन कर दी, देन ये ज्वाइन कर दी। अब ये जो हमने ज्वाइन किया इसको मैंने नीचे किया, अब ये जो ज्वाइन किया, अब यहाँ पे ये जो हमारी लाइन बनी है ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इसके लिए डायरेक्ट हिस्टोग्राम भी बनाएं, हम बगैर हिस्टोग्राम के भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। कैसे, सपोज मैं अब बगैर हिस्टोग्राम के बनाने वाला हूँ कि बगैर हिस्टोग्राम के हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाएंगे। ये सेम टू सेम मैं यहाँ पे रखूँगा 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया हमारे पास 60, ऊपर 5, 10, 15, 20, 25, then 30। अब मैं यहाँ पे डेटा पे रीड करता हूँ भाई, हमारी जो है मिड पॉइंट है 15 और फ्रीक्वेंसी भी है 15, मिड पॉइंट ये हो गई 15, अब 15 फ्रीक्वेंसी मतलब ये चीज़ हो गई, यहाँ पे हमें जो है एक पॉइंट लगा देंगे। अब हमारी मिड पॉइंट क्या है 25, मतलब ये रहा पे होगी 25, और फ्रीक्वेंसी क्या है 20, 25 से ऊपर ले जाएंगे और 20 के सामने एक पॉइंट लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी मिड पॉइंट क्या है 35, ये 35। अब हमें क्या करना है, ये 35, अब हमें क्या करना है भाई, 30 पे जाके उसकी हाइट क्या है 35, फ्रीक्वेंसी है 35 से 30 पे जाके हमें एक पॉइंट लगाना है इस तरह, ये 30 पे पॉइंट लगा दिया। उसके बाद भाई मिड पॉइंट है 45, फ्रीक्वेंसी क्या है 25, 45 से 25 पे जाके स्ट्रेट ले जाके यहाँ पे 25 पे हमें एक पॉइंट लगाना, देन हमारी 50 to 60 उसका मिड पॉइंट क्या था 55, मतलब ये रहा, और फ्रीक्वेंसी है 5। अब इनको दोबारा से हम 0 से मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, अब ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम बगैर, ओ सॉरी ये अब हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन
बगैर हिस्टोग्राम बनाए। अब अगर आपको क्वेश्चन भी कहा गया है कि भाई हिस्टोग्राम बना के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, तो हमें ये टावर्स भी शो करने होंगे हिस्टोग्राम के। अगर हमें ये नहीं कहा गया तो हम इसको शो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे। अब आते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में फ़र्क इतना है कि जैसे हम यहाँ पे इन लाइंस को मैं ज्वाइन कर रहा था, तो पहले इसको ज्वाइन किया, फिर मैंने इसको ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब अलग अलग इसको मैंने ज्वाइन किया। अब फ्रीक्वेंसी जब कर्व कहेगा ना, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन करते आएंगे और जिधर पे भी टर्न आ रहा है, हम मुड़ रहे हैं, तो वहाँ से हम कोशिश करेंगे कर्व बनाते हुए आए और सीधा इसको जाके यहाँ पर बनाए। सपोज़ अब मैं इसको कर्व में बनाता हूँ, फ्रीक्वेंसी कर्व इसकी कैसे बनेगी, हम इसे लेके आए। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें हमारे कोने निकल रहे थे, लेकिन इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी कर्व में कोने नहीं निकलेंगे, एंगल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी कर्व, मतलब फ्रीक्वेंसी कर्व जब हमें कहे तो वो हमारा कैसे बनना चाहिए, वो ऐसे आना चाहिए, उसमें कर्व होना चाहिए, एंगल नहीं बने। अगर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो उसमें ऐसे होंगे, तो भाई ऐसे एंगल्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।